अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं बनाऊंगी चिकन कौरमा जो इंतहाई मज़ेदार और लजीज बनेगा। आप लोगों ने ज़रूर मेरे तरीके से ट्राई करना है, और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, यहाँ पे हमने ले लिया एक पैन और इसमें मैंने ऑयल ऐड कर लिया था हाफ कप। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 2 चॉप किए हुए प्याज, हमने इसको इस ऑयल के अंदर डालना है और इसको हमने हल्की हल्की आंच पर बहुत ही प्यार से नरम हाथों के साथ गोल्डन ब्राउन करते जाना है। ये देखिए इसने अपना कलर भी चेंज भी कर लिया। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। चलें जी, ये हमारी डिश आउट हो गई है। अब हमने एक इसके अंदर क्या डालना है, जो साबुत मसाले जाएंगे इसमें पे, एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 3 से 4 अदद लौंग हैं, एक बादियान का फूल है और एक टुकड़ा मैंने जायफल जवत्री का लिया है, ये डालेंगे इसके अंदर। और इसके साथ ही इसी ऑयल में हम डाल देंगे, हम चिकन ऐड करेंगे तकरीबन 500 ग्राम मैंने यहाँ पे चिकन लिया है, इसको ऐड करूँगी। साथ में इसके अंदर मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, ये शामिल कर देंगे। और इन सब को अच्छे तरीके से हमने फ्राई कर लेना है हल्की आंच पे, ताकि ये अपना थोड़ा सा कलर चेंज कर ले चिकन। साथ में हम इसके ऊपर डालेंगे नमक, ये मैंने लिया 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक ऐड किया है। अब हम इसमें डालेंगे ये 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून, और इसमें साथ जाएगा धनिया पाउडर, वो लिया है मैंने 1/2 टेबल स्पून। अब इसके साथ ही हमने नीचे चूल्हा बंद कर देना है, और इसमें हम डालेंगे दही, ये मेरे पास था 1/2 कप दही, क्योंकि इसमें दही ज़्यादा ऐड होगा, हम टमाटर ऐड नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने दही की क्वांटिटी जो है वो 1/2 कप रखी है। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं, और दोबारा से अपना जो चूल्हा है वो ऑन करेंगे, अपना जो फ्लेम है वो ऑन करेंगे। तो देखें ये अब चिकन जो है जोश मारना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें हमने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया था क्योंकि दही का पानी भी था, उसको हमने ढक्कन लगाया तकरीबन 1/2 आवर के लिए, ताकि इसका पानी भी ड्राई हो जाए। और जो प्याज था हमने ब्राउन कर लिया था, उसको हमने ग्राइंड कर लिया था, तो हम इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे साथ में, जैसे ही दही का पानी खुश्क होगा। अब देखें इसकी लुक, देखें ज़रा कितना ये देखने में लजीज लग रहा है, ये बिल्कुल रेडी है स्टेज पे। ये देखें ये इसकी फ़ाइनल लुक आ गई है, बहुत आसान है और बहुत अच्छा भी लगता है खाने में। तंदूर की रोटी हो तो बहुत मज़ा आता है। साथ में मैंने इसके ऊपर 1 चम्मच जो था गरम मसाला ऐड किया एंड पे, ये आपने एंड पे ऐड करना है, अगर आप स्टार्ट में डालेंगे तो आपका सालन बिल्कुल काला हो जाएगा। तो इसमें हमने अब इसको हरा धनिया से गार्निश किया है, अगर आप चाहें तो हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। चलिए जी, ये रेडी है, और आप लोग इन्जॉय करें और मुझे अपनी दुआ में शामिल रखें। अल्लाह हाफिज़।